अभी पापा लाए हैं गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम, पता नहीं हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कैसी होगी। कुछ ऐसी दिख रही है गुलाब जामुन दे दे कि मम्मी को देखो इसमें सारी बच्चों वाली हरकतें शुरू हो गई मम्मी की। अभी बज गए 11 और मम्मी अभी भी सो रही है। मम्मी ने ज्यादा ही दवाई खा रखी है नींद की। आर्यन अभी उठ के आए, अभी हम नाश्ता करेंगे। तो ये आ गया हमारा नाश्ता कचौड़ी। अभी पापा लाए हैं गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम क्योंकि मम्मी को खानी थी गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम। पता नहीं हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कैसी होगी। अच्छी होगी तो हम आपको बताएंगे। 280 रुपए रेट है इसका, ट्राई करना। हाँ, इसका प्राइस 280 रुपए है। 280 रुपीस है इसका। बटर स्कॉच हम जो खाते थे वो 120 रुपए था। ये फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, ये नई आई है अभी। तो कुछ ऐसी दिख रही है, खाने में टेस्ट देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा ही मिलेगा, इतनी महंगी जरूरी नहीं है, महंगी चीज अच्छी हो। भाई तुझे क्या लगता है? अब खा के देख, आई डब्बा चाट रहा है तो इसमें गुलाब जामुन भी है। ये देखो बिल्कुल गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम में बिल्कुल जमा हुआ है। इसमें गुलाब जामुन भी है। हाँ। और ये बिल्कुल जमा हुआ है, जब देखते हैं खा के आज पहली बार अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये देखो फिलहाल कुछ ऐसा हाल हो गया है इधर का। और ये देखो पूरा गंदा गंदा हो गया, इसको साफ करेंगे। फिर यहाँ पे सोना भी है, इतना बुरा हाल हो रखा है रूम का। और ये देखो फिलहाल हमारा हो गया है लगभग सारा कंप्लीट अंदर का, बाहर बाहर का बचा है या फिर जितना बचा होगा इधर का वो अंकल कल कर देंगे। अलमारी का ऐसा बनवा है, ये देखो अभी काम चल रहा है। इधर का भी शायद ये लगने बाकी है और बाहर का पूरा वो बचा है, देखते हैं कितने दिन में काम होगा। पहले ये साफ करते हैं सारा। तो ये देखो मैंने सारा रूम साफ कर दिया है, डस्टिंग वगैरह सारी कर दी क्योंकि काफी गंदा हो गया था। चद्दर भी हटा दिए क्योंकि चद्दर भी काफी गंदी हो गई थी, मतलब जितना मुझसे हुआ मैंने कर दिया है। कल आंटी आएगी तो वो साफ कर देगी। और ये देखो 2017 की मेरे को मैगजीन मिली है और ये कुछ भी यूज नहीं आई। ये देखो फालतू में हमने ली थी पढ़ने के लिए पर कुछ भी यूज नहीं आई। और ये देखो मैंने पर्दे का स्टैंड यहाँ पे जो लगा था ऊपर वो हटा दिया, तो मैंने ये यहाँ रख दिया है ताकि गिरे विरे ना कहीं, क्योंकि ऐसे बेड पे रखा हुआ था तो मैंने यहाँ रख दिया है। तो आज का डिनर हो गया है रेडी। डिनर में बने खिचड़ी और आलू गाजर की सब्जी, दूध रोटी। आज का डिनर लाइट ही रखा है हमने क्योंकि मेरे दांत में पेन है, तो मैंने अपने लिए खिचड़ी बनवाई है। पूरे दिन से मैं अभी उठी हूँ, दोपहर के टाइम आइसक्रीम खाई थी, अभी थोड़ी सी खिचड़ी ली है। तो डिनर करते हैं और तुम्हारा बाद में मिलते हैं आपसे। उसी रात के बज गए हैं 11 और मैंने कपड़े शाम को ही धुलवा दिए थे सारे, और मैंने अभी यहाँ डाल दिए हैं सूखने के लिए क्योंकि ऊपर छत है हमारे, तो यहाँ इनको हाँ धूल मिट्टी या कुछ भी ओस वोस का कुछ वो डर नहीं है, ये सेफली यहाँ सूख जाएंगे। ये मैंने सारे लगा दिए हैं और जो ज़्यादा डस्ट पकड़ने वाले थे वो मैंने हैंगर में लगा दिए सारे इस तरह से। ये देखो मैंने अपने शूज़ धो दिए थे, शूज़ भी मैंने यहाँ रख दिए सूखने के लिए, ये कल या परसों तक सूख जाएंगे। इतनी ठंडी हवा लग रही है ऊपर, ये खुशी देखना क्या सिर धोके ऊपर आई है, बहुत ठंड लग रही है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है बाहर। हाँ ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, ऊपर तो ठंडी लगती है। नहीं हमारे घर से बहुत ठंडा लगता है। ये मेरी साइकिल है ना बहुत दिन से ऐसे पड़ी है, मैं सोच रही थी इसको भी ठीक ही करा ही लूँ क्योंकि मेरे ऑपरेशन हुआ है ना, अब 4-5 महीने हो गए हैं तो मैं साइकिलिंग कर सकती हूँ, तो मैं इसकी कंप्लेंट करूँगी कल या परसों में इसको ठीक कराऊँगी। और मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो इसको मैं ठीक करा के थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी 5-7 मिनट जो भी होगी मेरे से, तो इसको भी ठीक करा देंगे हम। मैंने कपड़ों का यहाँ ढेर लगा रखा है, अब नीचे लेके जाऊँगी, अब नीचे लेके जाऊँगी इसको। हाँ ये दाना है, सात तरह का ख़त्म हो गया क्या वहाँ पर बाहर डाल दो थोड़ा सा। सुबह के टाइम ना के प्रॉपर आते हैं हम, रात को एक बार एक चक्कर लगता है तो सारा काम अभी कर देते हैं हम। ये पक्षों के लिए भी दाना डाल दिया है इसने, पानी भी डाल दिया है, पानी भी डाल दे। वैसे पास पानी आजकल यूज़ कम होता है। थोड़ी देर मैं वॉक कर लेती हूँ, ठंड लग रही है वैसे, मैं थोड़ी देर यहीं वॉक कर लेती हूँ क्योंकि नीचे ठंड है, यहाँ हवा कम लगती है हमारे यहाँ क्योंकि ऊपर छत बनी हुई है ना, तो थोड़ा फर्क पड़ता है चीज़ों से। थोड़ा वॉक करते हैं, आज मैं पूरे दिन से उठी नहीं हूँ,
पूरा दिन से ही सो रही हूँ मैं। अभी शाम को उठी थी मैं, थोड़ी खिचड़ी खाई है और थोड़ा सा अभी घूम रहे हैं बस। अभी थकान से हो रही है, दोबारा से टैबलेट लूँगी और फिर मुझे नींद आ जाएगी। उधर घूम लेते हैं, मैं पूरे दिन से सो रही हूँ आज, पूरे दिन से आइसक्रीम खा रही और सो रही, आइसक्रीम खा रही और सो रही। एक बार आइसक्रीम खाई है खुशी। मैं कल 12 बजे टैबलेट ले गई, 12:30 बजे, और आज सुबह 12 बजे उठी हूँ। और उठने के बाद दोबारा से एक बार थोड़ा सा कुछ खाया आइसक्रीम आइसक्रीम, और दोबारा से फिर सो गई मैं। आज तो पता नहीं हो ही क्या रहा है मेरे साथ, पूरा दिन नींद ही नींद आ रही है। हाँ, और टैबलेट का भी नशा है मेरे, कल ना हो जाए तो मेरा ऑफिस भी रह जाएगा। कल सुबह नहीं लूँगी मैं, अभी लूँगी बस। चले खुशी, चलो चल अब चलते हैं नीचे। 2 मिनट की वॉक हो गई मेरी, 2-3 मिनट की। मैंने अपना नया कंबल निकाल लिया है, अब मैं ये नया कंबल यूज़ करूँगी। और मैं चादर भी ले आई बिछाने के लिए, और वो चादर भी ले आई क्योंकि बेड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए ये चादर अब मम्मी बिछाएगी। मैं दोबारा आइसक्रीम ले आई हूँ अपने लिए, देखो ये मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं दोबारा भी ले आई हूँ खाने के लिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इस आइसक्रीम का, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना सारे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी आइसक्रीम, मुझे तो अच्छी लगी इसलिए मैं दोबारा लेके आई हूँ। मैं सारे कपड़े उतार के लाई हूँ ऊपर से, हम मैंने सारे फोल्ड करने हैं और अलमारी में लगाने हैं। ये काफ़ी दिन से पड़े हैं, 3-4 दिन से, कुछ तो मैंने लगा दिए हैं खुशी के अलमारी में। और इनके तार कि मैं, ये मेरे और इनके कपड़े हैं, दोनों के कपड़े पड़े हुए हैं अब बहुत सारे। अब दोनों ये मुझे सारे फोल्ड करने हैं और अलमारी में लगाने हैं। तो मैं भी ले आई हूँ अपनी आइसक्रीम। चीयर्स। तू तो नहीं खा रही थी, गुलाब जामुन दे दे। ये मम्मी को देखो, इसमें सारी बच्चों वाली हरकतें शुरू हो गई मम्मी की। इसमें दो गुलाब जामुन का टेस्ट है ना, ये काफी अच्छा है। नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर आपको खानी है तो आप एक ही बार खाओ, इतनी भी अच्छी नहीं है कि बार बार खा सके। बटरस्कॉच अच्छी रहती है ना। हाँ, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। ये अच्छी है पर ये इतनी अच्छी नहीं है कि हर बार खाए, हर बार खाए। तो अभी मैं कपड़े तय करके रखूंगी और फिर सोने जाऊंगी। आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। व्लॉग पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय बाय। व्लॉग पसंद कर लाइक आए नहीं सॉरी